रूट काज की असली कारण की है, वह हर एक का अलग अलग होंगे, सेम कारण नहीं होंगे। सब तो बड़ा मैं जो कारण मैं देखा रिसर्च करके वह यह है कि जिसले थोड़े कन्नां दीआं तकलीफां या घंटियां बजना शुरू हो जांदियां, ये थोड़े मिडल ईयर में कोई ना कोई किसी किस्म की इनफेक्शन या कुछ जी आती है साउंड जी अंदर ब्रेन तक नहीं जाती वापस करके थानू ही दोबारा सुनाती है ना। यदा लिंक जोड़ा मैं देखा कि किडनीज़ के नाल ज़्यादा है, जिन्होंने यूरिनरी इनफेक्शन रही है या किडनी में प्रोटीन लीक होती है या किसी कारण किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, वाटर रिटेंशन रहती है, वो कारण ही डायरेक्ट लिंक ईयर टिनाइटिस कहते इंग्लिश टिनाइटिस कहते हैं तो जैजोरी घंटियां कहते हैं। देखिए जो डायबिटिक पेशेंट ने अगर उन्होंने शुगर लैवल जो हाई रहा है वो कारण अगर थोड़े नर्वस डैमेज होती है या पैरों में साड़ पैदा पे है वो कारण भी थोड़े नर्व जी कन्ना दर्व जो डैमेज होना शुरू हो जाती है। हार्ट के इशूज़ है, कार्डियोवैसकुलर डिजीज़ कहते कि जड़िया कई नाड़ियाँ फुलदियाँ ने या हार्ट की पैल्पीटेशन होती रहती है, अगर यहोजे कारण भी है तो भी ये लिंकड है। अज्ञे एल्टो डॉक्टर निशा जी पहुँच चुके हैं तो चलो पहले उन्होंने स्वागत कर दिए। डॉक्टर निशा जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत साढ़े प्रोग्राम। थैंक यू जय जी और प्रोग्राम देखने वालों मेरे निघी जी सत श्री अकाल नमस्कार और खुश रहो आबाद रहो। सो डॉक्टर निशा जी बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि उन्होंने कन्ना दी घंटियां बहुत वजदिया ने, सो कन्ना दी घंटियां का की इलाज है? बिल्कुल जी इस तरह है कि जो भी कारण है पहले की रूट काज की असली कारण की है वह हर एक का अलग अलग होंगे, सेम कारण नहीं होंगे। सब तो बड़ा मैं जो कारण मैं देखा रिसर्च करके वह है कि जिसले थोड़े कन्ना दी तकलीफां या घंटियां बजना शुरू हो जांदियां, ये थोड़े मिडल ईयर में कोई ना कोई किसी किस्म की इनफेक्शन या कुछ जी आती है साउंड जी अंदर ब्रेन तक नहीं जाती वापस करके थानू ही दोबारा सुनाती है ना। यदा लिंक जोड़ा मैं देखा कि किडनीज़ के नाल ज़्यादा है या जिन्होंने यूरिनरी इनफेक्शन रही है या किडनी में प्रोटीन लीक होती है या किसी कारण किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, वाटर रिटेंशन रही है, वो कारण ही डायरेक्ट लिंक ईयर टिनाइटिस कहते इंग्लिश टिनाइटिस कहते हैं तो जैजोरी घंटियां कहते हैं। सो दोनों ठीक है। दूसरा कारण यह देखिए जो डायबिटिक पेशेंट ने अगर उन्होंने शुगर लैवल जो हाई रहा है उदे कारण अगर तुहाडे नर्व्स डैमेज होंदी है या पैरों नूं साड़ पैंदा पिया है उदे कारण भी तुहाडे नर्व जिहड़ी कन्नां दी नर्व जिहड़ी ओह डैमेज होना शुरू हो जांदियां ने, सोज होनी शुरू हो जांदी है ते उदे नाल भी तुहानूं साउंड वेव्स प्रॉपर जिहड़ियां ने ओह नहीं पास आउण होंदियां ते उदे नाल भी घंटियां दी आवाज़ सुनाई दिंदी है। तीसरा कारण जिहनां नूं हार्ट दे इशूज़ है, कार्डियोवैसकुलर डिजीज़ कहिंदे कि तुहाडियां जिहड़ियां कईआं दे नाड़ियां फुलदियां ने जां हार्ट दी पैल्पीटेशन होंदी रहिंदी है, अगर इहोजे कारण भी है ने ते उहदे नाल भी इह लिंकड है। चौथा जो सब तो वड्डा कारण मैंने लगे है कि वह है कि जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है या शरीर तुम्हारा जो हद बिल्कुल कमजोर हो जाता है तो इन्फेक्शन जी ओवरऑल करती है तुम्हारे हाईजैक करके थोड़े ज्यादा बॉडी च आ जाती है, वह भी थोड़े एक कारण है। सो वक्रे वक्रे कारण वक्रे वक्रे कारण सो इन सारे कोई भी कारण तुम हो सकता जिदे करके घंटियां बचदिया हूँ। यदि सब तो पहला तो इलाज यदा यही है कि यदि एक एक्सरसाइज है जी कि डॉक्टर निशा जी दस जा रहे हैं, फिर उस तो बाद असं यदि दवाई दस दें। डॉक्टर पहला तो टैपिंग करनी है, मैं बुक की एग्जाम्पल रखनी पर टैपिंग इतने करनी है, इतने मैं दसनी कि करनी है, फ्लिप करना है इदा करके आवाज आएगी इदा इदा, अगर तुहानू इदा दी आवाज करनी है बिल्कुल इकड़ी उंगली उपर है तो यह थले है, ये तुम इदा करते रहना, करना कितने है ये वाला कन्न जो अपना इतों बंद करना पहले फिर ये बंद करना, इदा बंद करके ये पिछे जो थले वाला हिस्सा ये वाला थले वाला हिस्सा इतने तुम इदा टैपिंग करनी इदा करके और टप 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 की आवाज आनी चाहिए इदा टैपिंग करनी है। उसले कन बंद करने की जरूरत नहीं है, उसले इदा करके टैंपी पिछे पिछे करना है,
मतलब 20 to 30 टाइम्स डिपेंड्स अपॉन की कंडीशन है वो करके देख लियो अगर दे देना तो आराम आ गया तो बहुत ही अच्छा है कहंदे इहदे नाल सर्दी वाले करनी है कि सवेरे उठ के करनी है जिसले भी तुसी कर लो एनी टाइम कर सकदे कोई ओदा स्पेसिफिक पर अगर इहदे नाल तुहानू एक या दो वारी करके जे चार वारी कर सकदे तो आराम आ गया तो बहुत ही अच्छी गल है वेरी लक्की अगर नहीं आंदा है तो फिर साढ़े कोल जिहड़ा है ओदा सोल्यूशन है कि ओदे अंडरलाइंग इशू जिसा मैं दसे ने अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी का इलाज होना चाहिए और तुसी जदों साढ़े नाल अपॉइंटमेंट बनाओगे तो फिर असं दस देंगे अगर यूरिनरी इन्फेक्शन रहती है तो वह ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि वह अगर रस्ता खुल गया थोड़ा वो ठीक हो गया तो फिर ये ऑटोमैटिकली ही ठीक हो जानी है क्योंकि अगर उधर डायरेक्ट लिंक है अगर वो ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगी क्योंकि सेकेंडरी प्रॉब्लम है परमानेंट प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है शुगर वाले वास्ते शुगर जी है तो 6 को घट होनी चाहिए 5.5 हो 6 के बीच हो तो बहुत ठीक है उस को ज्यादा अगर हाई हो जाती है तो नर्व्स आस्ता 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 डैमेज होने शुरू हो जाती है ठीक है वो भी जरूरी है तो हार्ट वाले वास्ते हार्ट की पैल्पिटेशन वगैरह ठीक होनी चाहिए है हार्ट रेट जो नॉर्मल रेंज फास्ट नहीं होना चाहिए ब्लड दालचीनी बहुत वधिया सो एक चुटकी दालचीनी सिर्फ एक चुटकी रोज सवेरे उठ के किसी भी चीज से एप्पल से किसी पाके खा लो हार्टबीट जी मैं खुद ठीक करके देखी अपनी सिनेमन बहुत अच्छी चीज है अगली बार फिर मिलते हैं किसी होर विषय डॉक्टर निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद।